नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम सफल किसान में। सफल किसान यानी नाम से ही समझ आता है कि दरअसल ये किसानों की सफलता की कहानियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आज के सफल किसान में हम आप तक लेकर आए हैं कर्नाटक के परिवार की कहानी। पूरे परिवार की कहानी इसलिए क्योंकि इस परिवार का एक एक सदस्य कृषि से जुड़ा हुआ है और उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरा परिवार अपने क्षेत्र में अपनी कामयाबी के लिए जाना जाता है। अगर बात करें फलों की खेती की, मोटे अनाज की खेती की या फिर गुलाब की, हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं कर्नाटक के इस सफल किसान के परिवार से। घर के आंगन में रंगोली बना रही ये हैं सुब्रमण्यम जी के परिवार की महिलाएं। सफेद रंगोली के बीच सज रहे लाल गुलाब इनके खेत के ही हैं। दरवाजे पर सजे तोरण में लगे फूल भी खेत के ही हैं। यहाँ तक कि पूजा घर को देखें तो भगवान की तस्वीरों में भी फूल देखने को मिल जाएंगे। इस घर में ये नजारा रोज ही देखने को मिल जाता है। हो भी क्यों ना, इस परिवार का मुख्य व्यवसाय ही फूलों की खेती है। गुलाब के पेड़ों को सहेजते ये हैं सुब्रमण्यम, जो पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं। हालांकि पहले ये पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन उसमें इतना लाभ नहीं होता था, लिहाजा इन्होंने बागवानी को चुना और अमरूद नारियल जैसे फलों की बागवानी शुरू की। लेकिन अब भी वो लाभ के उस आंकड़े को नहीं छू पाए थे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा सुब्रमण्यम जी ने कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और उन्होंने गुलाब की खेती का विकल्प सुझाया। फिर क्या था, प्रयोग धर्मी सुब्रमण्यम जी ने अपने 10 एकड़ के खेत में गुलाब को भी जगह दे दी। अमृत का पेड़ है, मेरा आधा एकड़ में जाते हूँ, 500 प्लांट्स से आता है अमृत का पेड़ का। साथ साथ बीच में जाते हैं नारियल तेल का जाते हो, और आमला का पेड़ है और 20 होता है, और जाम का पेड़ है 30 प्लांट्स होता है, और मिलेट्स के रागी पे आता है। इसके बाद 10 कुंटे से जगह में ये पेड़ का सभी बताता है, 300 प्लांट्स होता है, और 300 प्लांट्स का नाउ 2 दिन के हार्वेस्ट करने के लिए 20 केजी से पर 20-25 केजी से आता है, 2 दिन का कट करना है। आज के दौर में किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ ऐसी फसलों का भी चुनाव कर रहे हैं जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ हो सके या फिर कहे अतिरिक्त आमदनी हो सके। ऐसे में किसान फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं क्योंकि नकदी फसलें हैं, ऐसे में उन्हें जल्दी से लाभ भी होता है, तुरंत उन्हें आमदनी भी दिखाई देती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं गुलाब की खेती के बारे में। कई तरह के समारोहों में बढ़ते फूलों के उपयोग ने इस तरह किसानों का ध्यान खींचा है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा बन गया है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती का रुख कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से गुलाब, गुलदाउदी, रजनीगंधा, एंथूरियम, कार्नेशन, गेंदा, जरबेरा की व्यावसायिक खेती की जाती है। फूलों की खेती में किसान को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि जिस हिसाब से उपज तैयार होती है उसी हिसाब से आय भी होने लगती है। कुल मिलाकर ये नकदी फसल है, लेकिन फूलों के राजा गुलाब की खेती किसान को और मालामाल कर सकती है। जी हाँ, हर किसी की पसंद खुशबूदार गुलाब की बाजार में हर सीजन में अच्छी खासी मांग रहती है। आमतौर पर गुलाब के पौधे जमीन से 6 फुट ऊंचे होते हैं। गुलाब की खेती से ज्यादा फायदा लेने के लिए गुलाब की अलग अलग किस्मों को लगाना चाहिए। वैसे तो गुलाब की खेती के लिए कई नई तकनीकें हैं, लेकिन ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करना अच्छा रहता है। गुलाब की खेती के लिए ग्रीन हाउस को मध्यम जलवायु वाली जगह पर बनाया जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर सूरज
की भरपूर रोशनी, कम बरसात और ज्यादा तेज हवाएं न चलती हों, ग्रीन हाउस के लिए अच्छी रहती हैं। ग्रीन हाउस ऐसी जगह पर बनाएं जहां पानी का स्रोत और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। गुलाब के संरक्षित खेती मुख्य रूप से कट फ्लावर्स को उगाने के लिए की जाती है। गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद हैं। आप गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। यह आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से सर्दियों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। तो देखा आपने कि फूलों की खेती में कितना लाभ हो रहा है हमारे इस किसान को। बस ज़रूरत ये है कि आप हिम्मत करें और कुछ करने के लिए आगे निकल चलें। चलिए अब आपको इस किसान के खेत में लेकर चलते हैं और जानते हैं कि गुलाब की कौन कौन सी किस्मों का वो चुनाव करते हैं। सुब्रमण्यम के खेत गुलाबों के फूलों से गुलजार हैं। खूबसूरत रंगत और महक लिए ये हैं अरकासावी गुलाब, जो गुलाब की एक संकर प्रजाति है। इस किस्म में फूलों की सुगंध बेहद आकर्षक होती है। पौधों में बैंगनी गुलाब रंग के फूल लगते हैं और फूल गुच्छों में लगते हैं। फूलों की संभावित उपज 30 टन प्रति एकड़ तक जाती है। अच्छी उपज के अलावा इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। करीब 5 से 6 दिन तक इसे रख सकते हैं। साथ ही ये खुले खेत में उगाने के लिए सबसे लाभदायक किस्म है। एक बार पौधा फूल देना शुरू करता है तो आवक इतनी होती है कि किसान को रोज तुड़ाई करनी होती है, मतलब प्रतिदिन आय, प्रतिदिन मुनाफा। सुब्रमण्यम पौधों की अच्छी बढ़वार और बढ़िया पैदावार के लिए फसल की खास देखभाल करते हैं। कम पानी में अच्छी पैदावार लेने के लिए ड्रिप सिंचाई का सहारा लेते हैं। ड्रिप सिंचाई के कई फायदे हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई से बिजली की खपत में करीब 31% तक की कमी, 42% उर्वरकों की बचत करना संभव, उत्पादकता में 50% से ज्यादा की वृद्धि कर सकते हैं, किसानों की कुल आय में 20-65% तक की बढ़त संभव है। इसके साथ ही सुब्रमण्यम जी पौधों की रोपाई कतारों में करते हैं, जिससे बढ़वार के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके और तुड़ाई आसान हो सके। सुब्रमण्यम बताते हैं कि खेती और बागवानी के काम में परिवार का हर सदस्य अपनी अहम भूमिका निभाता है। पानी 3-4 डेज के ड्रिप से और 90 नाल के लिए। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गुलाब की खेती में मुनाफे की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज समर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, हर शाम 4 बजे DD न्यूज पर और शाम 4:30 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती में गुलाब की खेती के बारे में। जी हाँ, गुलाब जो कि अपनी महक और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसके अलावा किसानों को इससे अच्छी आय भी होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि गुलाब की खेती का गणित क्या है, कितनी लागत है, कितना मुनाफा है और किसान किस तरह से इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
सुब्रमण्यम जी फूलों की खेती से प्रतिदिन लाभ कमा रहे हैं। वो अपने खेत में अरकासावी ही उगाते हैं। हर रोज लगभग 20 से 25 किलोग्राम फूलों की तुड़ाई की जाती है। सामान्य दिनों में 120 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फूलों का सौदा होता है, लेकिन खास अवसरों जैसे राजनीतिक समारोहों, तीज त्योहारों और शादी के मौसम में फूल का दाम काफी बढ़कर मिलता है। अगर अच्छे तरह से देखभाल की जाए तो फूलों की पैदावार में और इजाफा किया जा सकता है। मौजूदा समय में किसान फूलों की खेती को काफी सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि इसमें बाकी फसलों की तुलना में जोखिम कम होता है और आय की निरंतरता बनी रहती है। सुब्रमण्यम जी को मार्केटिंग करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। वो बताते हैं कि ज्यादातर सौदे यहीं खेत से ही हो जाते हैं। मेरा अरकासवी का प्लांट होगा, रोज के वैरायटी अरकासवी से प्लांट बताता है। ये सभी IHR का प्लांट है इसका, और तेजस्विनी मैडम हमको अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए आपको अरकासवी का प्लांट बता है। इस मार्केट में 120 रुपीस का पर केजी होता है। इस फ्लावर्स कम करने के लिए थोड़ा स्टेबिलिटी होता है, और एक इसमें अच्छे से होता है। 10 कुंटे से जगह में ये पेड़ अरकासवी बताता है। 300 प्लांट्स होता है। 300 प्लांट्स का नाउ 2 दिन के हार्वेस्ट करने के लिए 20 केजी से पर 20-25 केजी से आता है। मार्केट में 120 रुपीस 150 रुपीस और को होता है रेट पर। सीजन से फेस्टिवल सीजन का ज़्यादा होता है, ये अदर से कम कर रखे। हमारे जो वैरायटीज जो बनती हैं अभी, देखिए इधर रोज़ का जो गुलाब का अरकासवी है, या अमरूद का अरका रश्मि हो या अरका किरण हो, जो जो वैरायटीज हम लोग वहाँ से जो बना रहे हैं, और वो जब तक फार्मर्स के पास जाके उनका जो क्वालिटी चेक जैसा बोलते हैं वो हुआ था, हो नहीं था, तो हम उसको हम बोलेंगे कि इसका अभी पास नहीं हुआ। उसी तरह जो वैरायटीज हम लोग जो बनाए हैं उनको दिया जाता है, और वो अपना अपना हिसाब से उसको उगाता है और उसका वो जो रख रखाव करता है, उससे उनको पता चल जाता है कि उसको मीन्स और क्या चाहिए इनपुट्स, और वो फीडबैक हमको आती है और हम उसी हिसाब से और न्यू प्रैक्टिसेस जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट करके और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए वो सभी प्रैक्टिसेस बना के हम उनको देते हैं। और प्लस और क्या करते हैं, हम उनको जो अदर एजेंसी से जो सपोर्ट मिलना मिल सकता है, जैसे अभी इंश्योरेंस हो या अदर सब्सिडीज हो, आजकल जो ड्रिप का मिल सकता है या अदर थिंग्स, हम उसको वो भी जानकारी देते हैं। सो दैट क्या उनका ही विल गो इनटू द डीप फार्मिंग, और आप वैराइटीज़ तो हम दे रहे हैं, फिर उसका इंफॉर्मेशन देते हैं उनको किस तरह से उसको देखभाल करना है। फिर मार्केटिंग का भी सपोर्ट के लिए हम लोग डायरेक्टली नहीं देते, बट हम तो जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस हम लोगों को जो मिल जाता है डिपेंडिंग अपन अदर एजेंसी से, उनको बोल सकते हैं कि आप इस तरह से वैल्यू चेन में ले सकते हो, या कोई स्टार्टअप है उनके साथ हम लोग लिंकेज भी करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, हम लोग जो फार्मर के साथ हमेशा जुड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और IHR का वैराइटीज सब जगह पर उसका फैलाए हैं, और उनका अच्छा मीन्स एडॉप्शन हो, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो अभी आपने गुलाब की खेती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना। अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं सुब्रमण्यम जी के खेत में और समझते हैं कि गुलाब की खेती और उसके खेत से जुड़े हुए और कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी गुलाब की खेती के बारे में विचार कर रहे हैं।
10 एकड़ में हमारे सफल किसान कई तरह की फसलें ले रहे हैं। इस समय उनके खेत में रागी की फसल लहलहा रही है। वैसे तो रागी दक्षिणी राज्यों की मुख्य फसल है, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा इसकी पैदावार ली जाती है। केंद्र सरकार के मोटे अनाजों के लिए उठाए जा रहे कदमों की वजह से अब उन किसानों के चेहरे पर मुस्कान है जो कई सालों से इनकी खेती करते आ रहे हैं। सुब्रमण्यम भी उन्हीं में से एक हैं। विशेषज्ञों की माने तो रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं। रागी बच्चों व बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और जरूरी अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो शारीरिक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए कई किसान वापस से मिलेट्स की खेती का रुख कर रहे हैं। अब बाजार में भी इनका अच्छा दाम मिलने लगा है। हमारे सफल किसान अमरूद की बागवानी भी करते हैं। करीब आधे एकड़ में सुब्रमण्यम जी ने अमरूद के 500 पेड़ लगाए हैं, जिनसे सीजन पर अच्छी आमदनी हो जाती है। मुनाफे में इजाफा करने के लिए अमरूद के पेड़ों के बीच के स्थान का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए नारियल और आंवले के पेड़ भी लगाए हैं। कुल मिलाकर इस आधे एकड़ की भूमि से भी आय की आवक का पूरा इंतजाम कर रखा है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे सफल किसान में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि फूलों की खेती में, विशेष तौर पर गुलाब की खेती में विशेषज्ञों की क्या भूमिका है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें सफल किसान। जब तू उसके साथ इतना हंसी मजाक करता है तो फिर शादी के बाद क्यों नहीं कर लेता? कसम खा के कहता हूँ कि जिंदगी के हर लम्हे हर पल में तुम्हारी कमी महसूस करता रहूं। मैं एक लड़की से बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसका नाम क्या है? तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मोना के बाप से कहना कि मुझसे आके मिल ले। मेरा दिल कहता है कि वो हम जैसे लोग नहीं। हमको उन लोगों से क्या मतलब? रवि तो अपने जैसा है ना। पास। इसे धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दो। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ? तुम जैसों से तो कहीं अच्छे हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? फंडू फीचर फिल्म्स में 19 जनवरी शुक्रवार रात 8 बजे फिल्म सागर, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कर्नाटक के एक ऐसे किसान से जो कि गुलाब की खेती भी करते हैं। गुलाब की खेती में अभी तक आपने जाना कि कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और इसके अलावा इसमें मुनाफे का क्या गणित है, लेकिन विशेषज्ञों की राय क्या है, कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ हैं जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं तो कम हुई, साथ ही किसान नई तकनीकों को भी आसानी से अपना सके हैं। विशेषज्ञ मौजूदा समय में हर उस समस्या पर शोध कार्य कर रहे हैं जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर रहा है। यहाँ के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था में हम 54 क्रॉप्स पर काम कर रहे हैं। इसमें जैविक प्रौद्योगिकी में तीन हिस्से में हम काम करते हैं। एक है प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और एक है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर नोवेल ट्रेड्स, और जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग और मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग काम है। जहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर में हमारा मेन एम है कि पौधों का जल्दी से जल्दी कितना ज़्यादा चाहिए उतना मल्टीप्लिकेशन करके वो डिसीज फ्री हो या पेस्ट से फ्री हो ऐसा पौधा और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को देना हमारा मेन एम है।
और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जहाँ ब्रीडिंग से नहीं हो पाता है उसी किस्मों में हम डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे आपने बीटी कॉटन का सुना होगा, इसी तरफ से यहाँ पे भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे वायरस हो या पेस्ट हो या फंगल डिसीज हो, ऐसा पौधा डेवलप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग जो एक हिस्सा है, इसमें नया मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक या नॉवेल ब्रीडिंग टूल्स है, उसका अप्लीकेशन को करके यहाँ पे जो ब्रीडिंग पौधा डेवलप करते हैं, नया किस्में डेवलप करते हैं, उसमें जल्दी से जल्दी अच्छा पौधे सेलेक्ट करने का मॉलिक्यूलर मार्कर्स को इस्तेमाल करके हमने ब्रीडर का मदद कर रहा है। ये सेंटर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे मेनली जो भी जो इंस्टीट्यूट का जो प्रोडक्ट्स है, लाइक अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम है, अर्का डिकम्पोजर है, अर्का सस्य पोषक है, और हमारे पास कुछ पब्लिकेशंस भी है जो हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा जो मेजर लैंग्वेजेस में उसको, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, ये चीज़ों को सेल करते हैं। और ये थ्रू आउट द कंट्री किसानों का डिमांड है इस चीज़ों का, एंड मेनली इसको एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स हैं वो किसान डिमांड कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेनली इसका यह है कि दिस प्रोडक्ट्स स्पेशली दिस एक्ट एज क्रॉप प्रोटेक्टेंट एंड द ग्रोथ प्रमोटर। हमारा मेन उद्देश्य ये है जो तकनीकी और वैरायटी ये जगह में और कई जगह में हो रहे तो दूसरा जगह में टेस्ट करना है, क्योंकि फार्मर को देने से पहले हमारा मुद्दा है वो अच्छा होना है, किसी हालत में उनको लॉस नहीं होना है। इसी हिसाब से ICAR ने ये प्रोजेक्ट कर लिया है और बेंगलुरु हेड ऑफिस है, 50 जगह में हमारा तकनीकी टेस्ट कर रहे हैं। जो जो नया टेक्निक कई इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट डेवलप किए तो वो हम लेके और वो सब जगह में टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके वो अच्छा है तो उस जोन के लिए हमारा जो सेंटर है और केविक है उनके मुद्दा से फार्मर को देने का मेरा उद्देश्य है। और करीबन करीब 50 सेंटर में सब 9 फुट का काम चल रहे हैं। हम हर दिन, हर हफ्ते और हर एक साल में सब मिल के कोशिश करते हैं क्या कैसा चल रहे हैं और इसका फायदा कैसा उठा रहे करके सोचते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई सफल किसान से, साथ ही जाना कि कैसे किसान गुलाब की खेती से लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी है saphalkisan@gmail.com। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद करते हैं। नए अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।